मॉर्निंग वाला फिर दोस्तों, आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज आधुनिक भारत के इतिहास का 7वां लेक्चर है, जिसमें हम सभी लोग देखेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार, लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। इससे संबंधित NCERT वन लाइनर हम लोग देखेंगे और इससे पहले जो है 6 लेक्चर आधुनिक भारत के इतिहास के हैं, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग ना देखे हों प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन और यह हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। ये की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो 16 अक्टूबर 1905 को की गई थी। साथ ही साथ इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 का जो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन भी आरंभ हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन भी प्रारंभ हुआ और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव जो है स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था। तो बंगाल का जो विभाजन है वो मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए किया गया था, कि बंगाल के अंदर जो राष्ट्रभावना कोट कोट के भरी हुई उसको कम करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था और 1905 में जब ये बटा बंगाल तो 2 भागों में बटा, एक तो पश्चिमी बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को हिस्से को शामिल किया गया और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम को शामिल किया गया। जो आपका पश्चिमी बंगाल था उसमें हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, यानी हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, और जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, अर्थात मुस्लिमों की जनसंख्या जो थी वो ज़्यादा थी। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है प्रेरक गीत बना। तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था। और अगला पॉइंट कह रहा है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ 1905 में, तो बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व तो जो है वो किसने किया था। ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। साथ ही साथ जो अगला है, करा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया। तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तो जो है सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि जो है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया। तो ये किया गया था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविंसन जो कि ब्रिटिश पत्रकार थे, ये किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ये भी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट हम लोग इसे रिलेटेड और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। और इसमें कहा गया है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही साथ जो अगला है वो हम लोग देखते हैं, इसके साथ ही साथ वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया और इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। यानी वर्ष 1905 में कांग्रेस का जो है एक बनारस अधिवेशन हुआ जिसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई।
अगला पॉइंट कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई प्रफुल्ल चंद राय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। यानी बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, और इसे रद्द किया गया 1911 में। उस समय जो कार्यकाल था वो लॉर्ड हार्डिंग का था, ये ध्यान रखिएगा गलत ना होने पर। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का जो आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थन कौन था, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। पूर्वी व पाश्चात के मध्य एक बेहतर जो संबंध का समर्थन किया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और आगे हम लोग देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो सर एंड्रयूज फ्रेजर था। अगला कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली एक पत्रिका थी जो कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई थी, और इस पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे। तो इस पत्रिका के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, इस पत्रिका का संपादन किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, कब, 1906 ईस्वी में। और ढाका आप लोग जानते हैं कि कहाँ की राजधानी है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन था। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन है वो कहाँ आयोजित हुआ। तो मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन है वो 1907 में कराची में जो है आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी। तो ये की थी अमृतसर अधिवेशन। अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी मुस्लिम लीग ने, और कब की थी, तो ये 1908 में की थी। दोस्तों हम लोग फर्स्ट डिवीजन के साथ चलते हैं और इसके साथ साथ एक जो है वीडियो आपके लूसेंट की आती है जो कि ये एनसीईआरटी वन लाइनर है और वो है ऑब्जेक्टिव। तो वन लाइनर के साथ जब आप ऑब्जेक्टिव करेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन हुए वह अधिवेशन और वर्ष और स्थान। तो पहला मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ वो 1906 में हुआ, कहाँ हुआ, ढाका में हुआ। और दूसरा मुस्लिम लीग अधिवेशन जो हुआ वो 1907 में कराची में हुआ, और तीसरा मुस्लिम लीग जो अधिवेशन हुआ 1908 में ये अमृतसर में आयोजित किया गया था। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा जो है लंदन में स्थापित की गई थी। तो ये जो है अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में भी स्थापित की गई थी। अगला कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आरओ यूपीपीसी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है वो की गई थी किसके द्वारा, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। साथ ही साथ 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है, यानी 1909 जो कि मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत
कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है वायसराय मिंटो के द्वारा। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का जो प्रावधान है वो किस अधिनियम में किया गया था? तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का जो प्रावधान बनाया गया था वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत बनाया गया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला जो प्रथम भारतीय था वो कौन था? तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उसमें नियुक्त होने वाला पहला भारतीय जो है वो है सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहली बार जो है नियुक्त किया गया था, जो कि प्रथम भारतीय थे। आगे हम लोग देख लेते हैं सत्येंद्रनाथ सिन्हा के बारे में। सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर भी बनाया गया, और संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वह एकमात्र भारतीय थे। ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, और अगला कह रहा है कि कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख जो नेता हैं, कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता एक तो उदारवादी और एक दूसरा है उग्रवादी। तो उदारवादी जो है कांग्रेस जैसे दो गुटों में बट गया, तो उदारवादी जो नरम दल के नेता थे उसमें दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले थे। वहीं अगर उग्रवादी नेता की बात करें तो उसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष थे। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं आगे जो है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कह रहा है शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो जो है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक जो है वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया था, वैलेंटाइन शिरोल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? तो ये दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। अगला कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी जो विचारधारा से क्या आशय है? तो उग्रवादी विचारधारा से आशय है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन प्राप्त करना, साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है करा कि महाराष्ट्र में गणपत जो उत्सव मनाया जाता है को किसने प्रारंभ किया था? तो महाराष्ट्र में गणपत उत्सव को प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और आगे हम लोग देखते हैं दिल्ली दरबार से रिलेटेड देख लेते हैं, इसमें दरबार वर्ष और वायसराय। प्रथम दिल्ली दरबार जो है 1877 में स्थापित किया गया था, और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड लिंटन थे। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1903 में, और इसके जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया, इसमें लॉर्ड हार्डिंग जो है वायसराय थे। ये भी देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग वाले और कोट वाले भी। साथ ही साथ आगे हम लोग देखते हैं, और आगे कह रहा है कि अतवादियों में उदारवादियों की पुनः एकीकरण की जो प्रक्रिया है कि प्रमुख जो शिल्पकार हैं वो कौन है? तो वो है इनिपेशेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया हुआ निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? तो ये हुए कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का जो दूत कहा था वो कहा था सरोजिनी नायडू के द्वारा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मत होने वाले समझौते का जो है विरोध किया था, किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। आगे हम लोग देखते हैं, अगला कह रहा कि भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई? ये ली गई है आयरलैंड। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय रहा? तो ये रहा होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल जो आंदोलन है यह भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना जो कि महाराष्ट्र में है से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, किसके द्वारा?
तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अड्यार जो कि मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो ये 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा और जो है शुरू किया गया अड्यार मद्रास से, और तिलक के द्वारा पूना महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, कह रहा है एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो ये की थी कॉमन व्हील, कॉमन व्हील जो है पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी। किसने की थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि होम रूल आंदोलन जो है से संबंधित कुछ और फैक्ट देख ले रहे हैं। इसमें कह रहा है होम रूल जो आंदोलन है उसमें होम रूल आंदोलन आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन, और साथ ही साथ सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमॉन्ड के द्वारा किया गया था। और इधर 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। साथ ही साथ जो होम रूल आंदोलन ये दो भागों में बट गया। तिलक का जो होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुआ, और एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन है वो सितंबर 1916 में प्रारंभ हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, तिलक के द्वारा जो है क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक बनाया गया, और इसका हेडक्वार्टर बेलगांव कर्नाटक को बनाया गया। साथ ही साथ जो है समिति स्वरूप भी बनाई गई, और जो एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था वो मद्रास तमिलनाडु था, और मुख्यालय इन्होंने अड्यार मद्रास को बनाया। साथ ही साथ समिति के बारे में हम लोग देख लेते, समिति का रूप कैसा था? अध्यक्ष एन सी केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट को बनाया गया, और इसका उद्देश्य क्या था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसमें जो है अखिल भारतीय स्वरूप के रूप में बनाया गया, जिसमें सचिव जो बनाए गए थे वो जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया, और इसका उद्देश्य था स्वशासन की जो है स्थापना करना। साथ ही साथ जो उद्देश्य, उसके बाद प्रचार माध्यम मराठा व केसरी में किया गया, और इधर प्रचार का जो माध्यम था वो कॉमन व्हील व न्यू इंडिया पत्रिका के माध्यम से किया गया। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि फेबियन आंदोलन का जो प्रस्ताव है किसने दिया था? ये दिया था एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? तो ये वर्ष 1918 में एक कर दिया गया था। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 1915 में जो होम रूल लीग का गठन है वह लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, कह रहा है कि एनी बेसेंट को होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडियार, मोतीलाल नेहरू, साथ ही साथ तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय आदि संबंध जो हैं इससे संबंधित लोग थे। तो ये दोस्तों था वीडियो, और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ उन लोगों के साथ शेयर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।